अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए करेले प्याज की रेसिपी शेयर करूंगी। यूं तो करेले खाने में बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन मेरी इस रेसिपी में आप देखेंगे कि करेलों की कड़वाहट मैं कैसे दूर करती हूं अपनी रेसिपी में। तो आज इस रेसिपी में बगैर कड़वाहट के करेले बनाने की मेरी वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने 1 kg करेले ले लिए हैं। इसको मैं वॉश करके छील लूँगी। ऊपर से इसका तमाम छिलका मैंने रिमूव कर लिया है और अंदर से भी जो इसके बीज होते हैं वो मैंने निकाल के इस तरह के बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब मैं कटे हुए करेलों में 2 tablespoon भर के नमक लगाऊंगी। नमक को करेलों में अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं तकरीबन इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये मेरी टिप नंबर 1 है। करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए टिप नंबर 2। 3 से 4 घंटे के बाद मैंने करेलों को वॉश कर लिया था ताकि इसका सारा नमक निकल जाए। बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश करना है। अब एक पैन में मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है और अपने करेलों को इसमें ऐड करूंगी। तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इनको हल्का सा करेलों को ब्लांच करूंगी। 5 मिनट के लिए उबालना है इन्हें बस, कि इसकी कड़वाहट इसमें दूर हो जाए। ये है टिप नंबर 3। अब 5 मिनट के बाद मैं इनको ड्रेन आउट कर लूंगी। अब हल्के से बॉयल किए हुए करेलों को मैंने एक कपड़े पे फैला के फैन के नीचे खुश कर लिया है 2-3 घंटे के लिए। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। अब आगे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। करेले मेरे बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, ये देखें आप। 1 kg करेले में मैंने टमाटर लिए हैं 3 medium size के, जिन्हें कट कर लिया है। प्याज ली है 4 large size की, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चे जाएंगी, हरा धनिया जाएगा इसमें। 1 tablespoon जिंजर और 1 tablespoon गार्लिक को मैंने कूट लिया है फ्रेश बिल्कुल। पैन में ऑयल ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ। सरसों के ऑयल में सब्जी बहुत मजे की बनती है। अपने करेलों को मैं फ्राई करूंगी यहाँ तक कि हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं। ये देखें, यहाँ पर ये हल्के से ब्राउन हो गए हैं। इससे ज़्यादा मैं इनको फ्राई नहीं करूँगी। अब मैं इनको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लूँगी। सारे करेले अपने एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, ब्राउन से हो गए हैं ये। उसी ऑयल में जो हमारा ऑयल बचा हुआ है उसमें मैं प्याज फ्राई करूँगी। इसे भी लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करूँगी मैं। प्याज मेरी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी हल्का सा भून लेंगे कि गार्लिक और जिंजर का कच्चापन दूर हो जाए। टमाटर ऐड करूंगी। कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 15 मिनट बाद मैंने चेक किया है, हमारे प्याज और टमाटर एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं अपने फ्राई करे हुए करेले ऐड करूंगी। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मैंने यहाँ पर लिया है 1 tablespoon। सौंफ मैंने ली है कुटी हुई 1 tablespoon। धनिया पाउडर 1 tablespoon। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 tablespoon। ज़ीरा पाउडर है 1 tablespoon। सारे स्पाइसेस को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ताकि सारा मसाला इन करेलों में रच बस जाए। कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको दम दे देंगे। 15 मिनट बाद मैंने चेक किया तो ये देखें, हमारे करेले की सब्जी बिल्कुल मज़ेदार सी बनकर रेडी है। अब इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई और हरा धनिया ऐड करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी करेले की सब्जी मज़ेदार सी बनके रेडी हो गई है। मैंने इसमें किसी किस्म की खटाई पाउडर या इमली को यूज़ नहीं किया है। बस मेरी टिप्स यूज़ करके आप भी बगैर कड़वाहट के करेले बना सकते हैं। लेमन डाल के हम तो अपने करेले एंजॉय करेंगे। आप प्लीज़ अगर मेरी वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब कर दें तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।